जब हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही होगी तो हमारा लॉस हमेशा नीचे जाता है, यानी कि ट्रेनिंग लॉस या वैलिडेशन लॉस जो है हमारा कम हो जाता है। ये एक वीडियो है विच इज ऑलमोस्ट रियल, बट ये एक्चुअल में फेक वीडियो है, ठीक है? आप नॉर्मल आई से देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये फेक वीडियो है। मैं अगर आपको जैसे ये वीडियो चला के दिखाता हूँ तो ये एक्चुअल में फेक वीडियो है, लेकिन लग बिल्कुल ऑलमोस्ट रियल रही है। अब जैसे मैंने इस वीडियो को अभी चलाया, इसको मैं अभी वीडियो प्लेयर को मिनिमाइज कर देता हूँ, और लेट्स सी अगर मैं डिटेक्ट डीप फेक करता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा मॉडल जो है यहाँ पे फिर से उसने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया एंड इट हैज चेक्ड, और फिर यहाँ पे आपको चेक करके बताएगा रिजल्ट इज फेक। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया डीप लर्निंग का एंड टू एंड प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है डीप फेक वीडियो डिटेक्शन। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जुपिटर नोटबुक में हमने कैसे कोड लिखा है, कैसे मॉडल की ट्रेनिंग करी है, उसके बाद जो हमने कैसे बैकएंड लिखा है, कैसे फ्रंट एंड लिखा है, बैकएंड में जो रेस्ट एपीआई लिखी है उसकी पोस्टमैन के थ्रू हमने जो है टेस्टिंग करी है, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, जैसे कि पर्सनल लर्निंग के लिए या फिर प्रोफेशनल लर्निंग के लिए या फिर अपने किसी स्कूल या कॉलेज के असाइनमेंट के लिए या फिर फाइनल ईयर या मेजर प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए अगर आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी रीजन से चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए एंड आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन योर मशीन। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये एक ऐप है, वेब ऐप है, जो कि डिटेक्ट कर बताती है आपकी कोई वीडियो डीप फेक है कि नहीं है। दिस टेल्स यू अबाउट डीप फेक वीडियो डिटेक्शन। ओके, प्रोजेक्ट के डेमो से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि डीप फेक वीडियो या डीप फेक इमेजेस होती क्या हैं। आप लोगों को पता भी होगा कुछ टाइम पहले एक रश्मिका मंदाना की वीडियो आई थी, जो कि एक्चुअल में रश्मिका मंदाना की वीडियो नहीं थी लेकिन किसी और की वीडियो थी, लेकिन वो डीप फेक करके उसमें रश्मिका मंदाना का जो है फेस उसमें जो इस तरीके से एम्बेड कर दिया था कि वो रियल वीडियो लग रही थी, ठीक है? और अगर मैं थोड़ा और ज्यादा बात करूं तो डीप फेक इज कंपोज फ्रॉम डीप लर्निंग एंड फेक एंड मीन्स टेकिंग वन पर्सन फ्रॉम एन इमेज और वीडियो और रिप्लेसिंग विद द समवन एल्स लाइकनेस यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज डीप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लार्ज कंपनीज गूगल इन्वेस्ट वेरी मच इन फाइटिंग डीप फेक। दिस इंक्लूड रिलीजेज ऑफ लार्ज डेटा सेट टू हेल्प ट्रेनिंग मॉडल्स टू काउंटर दिस थ्रेट। दिस फिनोमिना इन्वेड्स रेपिडली द फिल्म इंडस्ट्री एंड थ्रेटन्स टू कम्प्रोमाइज न्यूज एजेंसी। इन शॉर्ट में क्या है कि आप डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी इमेज के ऊपर या किसी वीडियो के ऊपर किसी दूसरे पर्सन का फेस जो है इस तरीके से एम्बेड कर सकते हो, इस तरीके से डीप फेक कर सकते हो कि वो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जैसे कि न्यूज इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और ऐसे बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्री जो कि मीडिया से रिलेटेड है। तो ये प्रोजेक्ट आपका एक्चुअली करता क्या है कि ये प्रोजेक्ट डीप फेक वीडियो डिटेक्शन करता है, डीप फेक वीडियो को बताता है कि कोई वीडियो डीप फेक है कि एक्चुअल में रियल है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है, मैं एक बार पहले यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस प्रोजेक्ट इज अप एंड रनिंग। एक सिंपल सा वेब ऐप है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जिस वीडियो को आप एक्चुअल में प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कि कोई वीडियो डीप फेक है कि नहीं है, तो आप यहाँ से ब्राउज करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये आप यहाँ इसके बैकएंड में एक डीप लर्निंग का मॉडल, ट्रेंड मॉडल होस्टेड है, जो कि आपको बता देगा कि कोई वीडियो डीप फेक है कि नहीं है। आप सेम चीज़ इमेजेस के लिए भी कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ वीडियो से रिलेटेड ही बातें करूंगा, ठीक है? तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज हैं। ये सेम वीडियोज रियल वाली भी हैं एंड उनकी फेक्ड वीडियो भी हैं। तो मैंने कन्वीनियंस पर्पज के लिए फॉर दिस वीडियो मैंने कुछ, क्योंकि इनके इन वीडियोज के नेम इस तरीके से हैं कुछ भी रैंडम कैरेक्टर्स में, बट कन्वीनियंस के लिए मैंने उनको एक्चुअल नेम दे दिया था। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे रियल वीडियो आपको दिखा रखा है, मैंने इनका नेम एक्चुअल में रियल वीडियो थी तो मैंने इनको रियल
इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन कर दिया था। तो मैं आपको एक एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले रियल वाली, और लेट्स सी कि मॉडल क्या प्रेडिक्ट करता है। यहाँ से मैं एक रियल वीडियो को वो कर रहा हूँ, ओपन किया। जैसे ही आप यहाँ से ओपन करते हैं तो आपका वीडियो का प्रीव्यू आ जाता है, ठीक है। मैं अगर इस वीडियो को चलाऊं तो मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर देता हूं, आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा जो सस्पिशियस या एब्सर्ड नहीं दिख रहा है, एक नॉर्मल वीडियो दिख रही है। और लेट अस सी कि ये एक्चुअल में नॉर्मल रियल वीडियो है कि नहीं है। तो यहाँ से आप वीडियो अपलोड करने के बाद आप अपनी साइड से खुद से भी देख सकते हो। मैं आपको अभी फेक का भी दिखाऊंगा, तो फेक का अगर आप फेक वीडियोज का देखोगे तो यू विल बी एबल टू डिटेक्ट। तो मैं यहाँ से डिटेक्ट डी फेक करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए मेरा मॉडल जो है पीछे से बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, एंड इट इज फ्रेम बाय फ्रेम ये वीडियो को एनालाइज करता है, एंड ये आपको बताता है कि फिर ये वीडियो जो है पर्टिकुलर आपकी डी फेक है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिजल्ट इज रियल एंड कॉन्फिडेंस इज 0.31। दैट मीन्स कि इसको बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है कि ये डी फेक है, और दैट्स वाई इट हैज कैटेगराइज दिस वीडियो एज ए रियल वीडियो, जो कि है भी एक्चुअल में रियल वीडियो। अभी मैं आपको एक दूसरी किसी दूसरी वीडियो के साथ दिखाता हूँ जो कि एक्चुअल में फेक है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक वीडियो है विच इज ऑलमोस्ट रियल, बट ये एक्चुअल में फेक वीडियो है, ठीक है। आप नॉर्मल आईज से देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये फेक वीडियो है। मैं अगर आपको जैसे ये वीडियो चला के दिखाता हूँ तो ये एक्चुअल में फेक वीडियो है, लेकिन लग बिल्कुल ऑलमोस्ट रियल रही है। अब जैसे मैंने इस वीडियो को अभी चलाया, इसको मैं अभी वीडियो प्लेयर को मिनिमाइज कर देता हूँ, और लेट्स सी अगर मैं डिटेक्ट डी फेक करता हूँ तो क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा मॉडल जो है यहाँ पे फिर से उसने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, एंड इट हैज चेक्ड, और फिर यहाँ पे आपको कंसिडर चेक करके बताएगा रिजल्ट इज फेक, कॉन्फिडेंस इज 0.56। दैट मीन्स कि हमने एक थ्रेशोल्ड ले रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब सोर्स कोड के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने एक थ्रेशोल्ड ले रखा है, थ्रेशोल्ड है 51%। अगर 51% से ज्यादा का कॉन्फिडेंस है मॉडल को तो वी कैटेगराइज दैट वीडियो एज ए फेक वीडियो। सो ये एक्चुअल में ये फेक ही वीडियो था, एंड मॉडल को इस बारे में 56% का कॉन्फिडेंस है। मैं एक और कोई दूसरी वीडियो दिखाता हूँ जो कि एक्चुअल में देखने से भी फेक ही लग रही है। जैसे अगर आपको मैं ये वाली दिखाऊं, ये वाली वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप यू विल बी एबल टू डिटेक्ट बाय योर नेक्ड आईज की हाँ ये वीडियो फेक्ड है। इस वीडियो में जो एक ये लेडी है, इस लेडी के फेस को आप देखिएगा, ये फेस जब वीडियो प्ले हो रही होगी यू विल बी एबल टू डिटेक्ट कि इस वीडियो में वो अच्छे से देखने से ही पता लग रहा है कि वो फेक वीडियो है। ये देखिए यहाँ पे इस एरिया में जो है जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट आ रहा है स्किन के ऊपर। तो मैं अगर इसको अगर प्रेडिक्ट करता हूँ, लेट्स सी मॉडल मेरा क्या प्रेडिक्ट करके देता है इस केस में। तो यहाँ पे मॉडल यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है, एंड इट हैज प्रेडिक्टेड, एंड उसने रिजल्ट इज फेक एंड कॉन्फिडेंस इज 0.71%। मतलब कि 71% जो है मॉडल इज श्योर कि ये फेक वीडियो है। और ये आप अगर खुद की अपनी नॉर्मल आई से भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक्चुअल में फेक वीडियो है। मैं आपको एक और वीडियो का एक और डेमो करके दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल ही फेक्ड है, मतलब कि जो कि बिल्कुल ही ब्लर्ड है। ये देखो इसमें क्या कर रखा है कि इस वीडियो को अगर आप प्ले करेंगे, मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए ये पूरा ही फेस जो है ब्लर्ड है और पूरा फेक्ड है। दैट मीन्स कि किसी दूसरे पर्सन का फेस लेके स्वैप कर रखा है, इस तरीके से एम्बेड कर रखा है, लेकिन यहाँ पे उतनी अच्छी डीप फेकिंग नहीं कर रखी, वो तो देखने से ही समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी नेक्ड आई से आपको नहीं पता लगता कि वो एक्चुअल में डीप फेक है कि नहीं है। तो ऐसे सिनारियोज में डीप फेक डिटेक्शन वाले मॉडल या ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको मॉडल क्या प्रेडिक्ट करता है। लेट से यहाँ पे डिटेक्ट डी फेक किया, यहाँ से फिर जी हाँ मॉडल ने कैलकुलेशन जो भी अपना बैकग्राउंड में फ्रेम बाय फ्रेम इट चेक्स, एंड यू विल सी दिस इज गिविंग यू HTTP रिक्वेस्ट 200 रिस्पॉन्स दे दिया, एंड इट इज सेइंग दैट रिजल्ट इज फेक एंड कॉन्फिडेंस इज 0.55। सो आपने देखा कि ये भी करेक्टली उसने प्रेडिक्ट किया, बट कुछ कुछ बहुत ही
बिल्कुल ही जो ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से फेक्ड वीडियो है, वहां पे जो है मॉडल में गिव यू लिटिल डिफरेंट रिजल्ट और लिटिल रॉन्ग रिजल्ट, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोज के लिए ये वाला जो है करेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेमो की बात और प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन की बात। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट के जुपिटर नोटबुक के ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने वीएस कोड में पूरे फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा डेटा सेट है। डेटा सेट में जो मेरी वीडियोज पड़ी हैं, टेस्ट वीडियोज, ट्रेन वीडियोज एंड सैम्पल सबमिशन, यहाँ पे सारी डिटेल जो है आपकी पड़ी है। ये जो है कौन सी वीडियो फेक है, कौन सी फेक नहीं है, एक जेसन फाइल भी यहीं पे पड़ी है जो कि आपके इसमें आपको दिख जाएगी। ये यहाँ पे जो है मेटा डेटा डॉट जेसन, इसमें क्या है कि इसमें हर वीडियो के लिए आपका जो इस तरीके से कर रखा है कि नेम, और उस नेम के सामने लगा रखा है कि वो वीडियो वो है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये वाली एक वीडियो है, इस वीडियो के लिए लेबल फेक है, और बेसिकली यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर रहा है एक्चुअल में ये फेक फेक वीडियो है एंड ये स्प्लिट ट्रेन में है, ओरिजिनल वीडियो ये वाली है। तो मतलब कि एक वीडियो है और उस वीडियो की रियल वीडियो ये वाली ओरिजिनल वाली, लेकिन ये वाली रियल वाली है आपकी और ये वाली फेक वाली है। तो यहाँ पे मेटा डेटा है, इस मेटा डेटा का हमने अपने ट्रेनिंग में या जुपिटर नोटबुक में यूज किया, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा सेट हो गया, हमने डेटा सेट की बात कर ली। डेटा सेट में कुछ नहीं है, डेटा सेट में हमारी जो है सारी वीडियोज हैं, और जो है वीडियोज का जो मेटा डेटा है उसके बारे में, यानी कि कौन सी वीडियो फेक है कौन सी नहीं है उसका मेटा डेटा है। ठीक है, ये डेटा सेट के बारे में बात हो गई। मॉडल के बारे में हम अभी बात करेंगे। नोटबुक वाले फोल्डर पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं टाइटल है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है जो मैंने अभी क्विकली पढ़ा था, और यहाँ पे डेटा सेट के बारे में कुछ कुछ थोड़ी सी डिटेल्स डाल रखी हैं। उसके बाद मैं आप एक क्विक कोड वॉक थ्रू करवाऊंगा। मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वर्ड बाय वर्ड कवर करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट आई विल गिव यू अ सेंस कि कहाँ पे क्या चीज कर रखी है और कैसे कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इम्पोर्ट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे टेंसर फ्लो को इंस्टॉल किया है। उसके बाद जब आप ये सब कर लेते हैं यहाँ पे उनको इम्पोर्ट कर लेते हो, ठीक है, यहाँ तक अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन में आ जाते हैं। ये डेटा फोल्डर जो है, डेटा फोल्डर मतलब कि आपका ये सारे जो डेटा सेट आपका कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन सैंपल फोल्डर क्या है और टेस्ट फोल्डर कहाँ पे पड़ा है उनका पाथ दिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेन में मेरे पास 400 वीडियो हैं, टेस्ट में भी मेरे पास 400 वीडियो, मतलब ट्रेन में 401 वीडियो हैं, 401, और यहाँ पे हमारे टेस्ट में हमारे पास 400 वीडियोज हैं। अब जो मैं मेटा डेटा जेसन जो मैंने आपको दिखाई थी, ये है उस मेटा डेटा जेसन को हम रीड कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो मैंने शुरू में ही दिखाया था ऐसे इस तरीके से मैप्ड है। ये एक वीडियो है जो कि एक्चुअली फेक है, ये ट्रेन वाले फोल्डर में पड़ी है, और इस फेक वीडियो के कोरस्पोंडिंग ओरिजिनल वीडियो ये वाली है, ऐसे ही यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं अगर इस रो की बात करूँ, ये वीडियो क्योंकि रियल है और ये ट्रेन वाले फोल्डर में पड़ी है, अब क्योंकि रियल है तो उसका ओरिजिनल खाली पड़ा है, यानी कि वही वीडियो ओरिजिनल है, रियल है, तो हमें यहाँ पे उसकी रियल वाली वीडियो का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि मेटा डेटा में कैसे डेटा पड़ा हुआ है या किस फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं। हमारी दो क्लासेज हैं इस केस में, एक है आपकी रियल वीडियोज मतलब कि क्या वीडियो रियल है, और दूसरी क्लास है हमारी फेक वीडियोज, क्या वो वीडियो फेक है। तो दो हमारी दो क्लास हैं, रियल और फेक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा डेटा है उसको हमने जो है प्लॉट करके देखा है कि कौन सी क्लास का कितना हमारे पास डेटा पड़ा है, यानी कि कौन सी क्लास की कितनी वीडियो पड़ी है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि भाई फेक कैटेगरी की हमारे पास ज्यादा वीडियोज हैं और रियल कैटेगरी की हमारे पास कम वीडियोज हैं। यहाँ पे कुछ उसके बाद फिर जैसे मेटा डेटा की शेप चेक करना, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये आपके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हर एक वर्ड बाय वर्ड नहीं कवर कर रहा हूँ, जस्ट अ क्विक कोड वॉक थ्रू बता रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज की हुई है और कैसे की हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
लेट्स विजुलाइज नाउ द डेटा, फिर हमने वीडियो को मतलब जो हमारा वीडियो का जो डेटा है उसको हमने विजुलाइज किया है। पहले हमने कुछ फेक वीडियोज को विजुलाइज किया है, यहाँ पे अब अगर आप देखोगे हमने 10 का सैंपल लिया है और उसमें से हमने यहाँ पे कुछ वीडियोज को जो है यहाँ पे उनका उन वीडियो के नेम प्रिंट करवा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है डिस्प्ले इमेज फ्रॉम वीडियो, जो कि वीडियो पाथ लेता है, पाथ ऑफ द वीडियो की वीडियो फाइल कहाँ पे पड़ी है। इट परफॉर्म्स ए वीडियो कैप्चर फ्रॉम द वीडियो, रीड द इमेज एंड डिस्प्ले द इमेज। सो जैसे नेम से ही समझ में आ रहा है, बेसिकली क्या करता है कि ये एक वीडियो लेता है, उसको फ्रेम बाय फ्रेम डिवाइड कर लेता है और उसमें से बेसिकली एक कैप्चर को या उस इमेज को वो दिखाते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन यहाँ पे जो है वो किया हुआ है और इसी फंक्शन को फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया है, फॉर वीडियो फाइल इन फेक ट्रेन सैम्पल वीडियोज डिस्प्ले इमेज फ्रॉम वीडियो। बेसिकली वीडियो से हमने इमेजेस दिखा रखे हैं, रैंडम इमेजेस रैंडम वीडियो से। अभी हम फेक वीडियोस को हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो अब फिर हमने सेम चीज हमने जो है अपनी रियल वीडियोस के साथ करी, मतलब कि दूसरी क्लास का जो हमारा डेटा सेट है यहाँ पे हमने सेम वीडियो जो है हमने रियल वीडियोज के साथ करी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं वीडियो विद सेम ओरिजिनल, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि बेसिकली ओके वी पिक वन ऑफ द ओरिजिनल विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैंपल, वी ऑल्सो मॉडिफाई अवर विजुअलाइजेशन फंक्शन टू वर्क विद मल्टीपल इमेजेस। सो बेसिकली हमने क्या किया कि एक वीडियो लिस्ट दी है इंस्टेड ऑफ सिंगल वीडियो, और फिर हमने उसमें से हर रिस्पेक्टिव वीडियोज की जो हमने इमेजेस फाइल जो है यहाँ पे प्रिंट करवा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी टेस्ट वीडियो फाइल्स, अभी अभी तक हम ट्रेन वीडियो वाले फोल्डर में के डेटा सेट के साथ उसको देख रहे थे, उसको एनालाइज कर रहे थे, वो सब चीज़ें किया है। अब हम टेस्ट वीडियो वाले फोल्डर के साथ हम सेम ही चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टेस्ट वीडियो डॉट हेड किया, वीडियोज़ के नेम आगे लेट्स विजुलाइज नाउ वन ऑफ द वीडियोज, ये सेम वही फंक्शन है जो मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है, मैं बस उसको कॉल कर रहा हूँ, बट कॉल कर रहा हूँ मैं टेस्ट फोल्डर के ऊपर, अर्लियर मैं कॉल कर रहा था ट्रेन फोल्डर के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप कुछ फेक वीडियोज को मतलब आप वो प्ले करके देख रखा है, यहाँ पे आप जैसे प्ले करके देखोगे तो ये वीडियो प्ले हो रही है, और जैसे अगर आप इस वीडियो में ध्यान से देखोगे कि ये वीडियो फेक वीडियो है, क्योंकि देखने से ही पता लग रहा है इस लेडी के फेस के ऊपर जो है जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो रहे हैं, और वो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये फेक वीडियो है। दिस वीडियो इज नॉट परफेक्टली डीप फेक्ड, बट दिस इज अ फेक वीडियो, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे फ्रॉम विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ दीज फेक वीडियो इन सम केसेस इट इज वेरी इजी टू स्पॉट द एनोमलीज क्रिएटेड व्हेन इंजरिंग द डीप फेक, इन सम केसेस इट इज मोर डिफिकल्ट। ये वही है जो चीज मैंने अभी आपको बोली, बेसिकली कुछ वीडियोज को तो सिर्फ देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो डीप फेक है कि नहीं है, और कुछ वीडियो इतनी अच्छी तरीके से इंजीनियर्ड होती हैं कि वो आप नॉर्मल आई से देख के नहीं बता सकते कि वो एक्चुअल में डीप फेक्ड है कि नहीं है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट के ऊपर जो हमारा मॉडल बनाने वाला पार्ट है। तो मॉडल बनाने से पहले हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद फिर हमने यहाँ पे हम कुछ मेथड डिफाइन कर रहे हैं, इन मेथड का हम आगे जाके यूज करेंगे, जैसे क्रॉप सेंटर फ्रॉम स्क्वेयर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्क्वेयर बना के वहां से हम क्रॉप कर लेते हैं उसको, ठीक है। लोड वीडियो, वीडियो को लोड करना, ठीक है। लोड हम वीडियो का पाथ दे देंगे और फ्रेम बाय फ्रेम वो उस वीडियो के फ्रेम्स निकाल लेंगे, मतलब उस वीडियो को बाइफरकेट करके फ्रेम बाय फ्रेम, और वो उन फ्रेम्स को एरे की फॉर्म में जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हाँ वी कैन, अब बेसिकली वीडियो भी क्या होती है, वीडियो आपकी होती है फ्रेम्स, मल्टीपल फ्रेम्स का काइंड ऑफ उनको स्टैक टुगेदर करते हैं तो वो आपकी वीडियो बन जाती है। और फ्रेम में क्या होता है कि एक इमेज होती है बेसिकली, और उन बहुत सारी इमेजेस को आप जब आप स्टैक आउट कर देते हो, स्टैक कर देते हो एक दूसरे के ऊपर, तो वो वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक प्री ट्रेंड मॉडल का यूज किया है जो कि केरास एप्लीकेशन केरास में है, इंसेप्शन V3, जो कि आपका बेसिकली क्या होता है कि मीनिंगफुल फीचर निकालने के लिए होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रेम से। तो आप ऐसे समझिए कि हमने ऊपर वाले मेथड में हमने क्या किया कि वीडियो को फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस में, और फिर उन इमेजेस से हम फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे। फीचर एक्सट्रैक्ट करने का मतलब हो गया
कि कहाँ पे आंख है, कहाँ पे नाक है, कौन से मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेम में कौन सी चीज क्या है। तो हम फीचर एक्सट्रैक्ट करने का हमने एक यहाँ पे मेथड बनाया, और हम यहाँ पे आपका इंसेप्शन V3 जो है इसके साथ बाय डिफॉल्ट इसकी ये आपका फीचर एक्सट्रैक्शन का बहुत अच्छे से काम करता है, तो हमने इसको यूज करके यहाँ पे वो किया है। ठीक है, फाइनली वी कैन पुट ऑल द पीसेस टुगेदर टू क्रिएट अवर टू प्रोसेस अवर डेटा डेटा प्रोसेसिंग यूटिलिटी। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सारी वीडियोज को प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे डेटा फ्रेम दिया और रूट डायरेक्टरी दी, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम मास्क और फ्रेम फीचर्स निकाल रहे हैं, और ये दोनों चीजें हम अपने मॉडल को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, हर वीडियो के लिए जितनी भी वीडियोज हैं हमने फॉर लूप लगाया, और हर वीडियो के लिए हमने ये निकाल लिया। अब ये सब करने के बाद फिर हमने क्या किया कि अपने ट्रेन टेस्ट डेटा को उसमें स्प्लिट कर लिया, ट्रेन और टेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे जैसे जो ऊपर मेथड डिफाइन किया था प्रिपेयर ऑल वीडियोस, यहाँ पे आप देखोगे हमने ये दोनों चीजें यहाँ पे उसमें फेक मतलब इस मेथड को कॉल कर लिया, और ये उसको दो पैरामीटर पास कर दिए। तो ये हमें क्या करेगा, ट्रेन डेटा दे देगा, उसके ट्रेन लेबल्स दे देगा, टेस्ट डेटा दे देगा, और टेस्ट लेबल्स दे देगा। ठीक है, अब हमारे फ्रेम फीचर इन ट्रेन सेट आर दिस एंड फ्रेम मास्क इन ट्रेन सेट आर दिस। तो हमने दो चीजें निकाल ली है, फ्रेम फीचर्स एंड फ्रेम मास्क, ओके, अपने ट्रेनिंग वाले डेटा सेट से। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना सिक्वेंशियल मॉडल बनाया है GRU का यूज करके। GRU आपका एक RNN का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है, और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप GRU और RNN के बारे में पढ़ लें, अगर आपको आइडिया है तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सीक्वेंस लेंथ है उसको केरास में इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे एक GRU की लेयर जिसके अंदर 64 न्यूरॉन्स हैं, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर GRU लेयर जिसमें 32 हैं, फिर से बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर GRU 16, फिर हमने ड्रॉप आउट किया। ड्रॉप आउट हम क्या करते हैं कि बेसिकली कुछ कुछ न्यूरॉन्स को एक पर्टिकुलर लेयर में हम ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब कि उनका स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उनके थ्रू हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। इसका क्या फायदा होता है कि हमारी जो है ओवरफिटिंग नहीं होती है जब हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा होता है। कुछ कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, ओवरफिटिंग, ट्रेनिंग, और आपका जो है ये बैच नॉर्मलाइजेशन, ड्रॉप आउट, ये सारी चीजें आपको अगर नहीं पता है आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाके एक बार पहले इन कॉन्सेप्ट को समझ लें, तभी फिर इस वीडियो पे आए। अगर आपको नहीं, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जो है अपने मॉडल को यहाँ पे ड्रॉप आउट फिर से एक लगाया, यहाँ पे हमारा जो है लास्ट लेयर जो है यहाँ पे हमने सिग्मोइड फंक्शन। अब हमने सिग्मोइड फंक्शन एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, हमने ये क्यों यूज किया, क्योंकि हमारी दो ही क्लासेज हो सकती हैं, आइदर तो फेक और तो रियल। तो जब हमारे पास दो ही क्लासेज होती हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, सिग्मोइड इज द बेस्ट वन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मॉडल बना लिया, यहाँ पे फिर मॉडल के अंदर ऑप्टिमाइजर डिफाइन कर दिया। ऑप्टिमाइजर भी आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मॉडल को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने का तरीका होता है, तो यहाँ पे हमने एडम ऑप्टिमाइजर का यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे लॉस फंक्शन हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज किया है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जैसे हमारे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मोस्टली यूज होता है। ठीक है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इसलिए यूज होता है क्योंकि हम यहाँ पे दो क्लासेस का जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने मॉडल को कंपाइल कर लिया, मॉडल की समरी को प्रिंट करवाया। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ चीजें करी हैं, दो हमने कॉल बैक्स डिफाइन करे हैं। कॉल बैक्स क्या होते हैं कि फंक्शंस होते हैं एक तरीके से, जो कि आपके अगर आपके मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है तो उस टाइम पे काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक अर्ली स्टॉपिंग का लगाया है, यानी कि ट्रेनिंग को अर्ली स्टॉप कर दे, किस चीज को मॉनिटर करते हुए, वैलिडेशन लॉस को मॉनिटर करते हुए, और जो बेस्ट वेट्स होंगे उस टाइम पे, मतलब जब आपका बेस्ट आपकी जो एक्यूरेसी दे रहा होगा या बेस्ट या मिनिमम वैलिडेशन लॉस होगा, तो जो है उसकी अर्ली स्टॉपिंग कर दे। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके मॉडल की ट्रेनिंग हो रही होती है और मॉडल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बेटर होना बंद हो जाता है, मतलब कि एक स्टेगनेंट लाइन बनने लग जाती है, तो ये पहले ही रोक देगा ट्रेनिंग को। अननेसेसरी मान लो पूरी ट्रेनिंग चलाने की कोई जरूरत नहीं है जब मॉडल इंप्रूव नहीं हो रहा है तो। ठीक
है, यहाँ पे चेक पॉइंट्स का हमने एक वो लगाया, हम क्या करते हैं कि जिन वेट्स के ऊपर आपका मॉडल ट्रेन बेस्ट हुआ है उन वेट्स को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मॉडल डॉट फिट, यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमने ऊपर से ट्रेन डेटा निकाला था और ट्रेन लेबल्स निकाले थे, ये सारी चीज़ें हमने जो है ऊपर से निकाली हुई है, ये सारी हम चीज़ें हमने ऊपर डिफाइन करी थी। जब हमारी ये ट्रेनिंग चलती है, यहाँ पे आप देखोगे जब मॉडल की समरी प्रिंट करवाई थी तो ये वाली डिटेल्स हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे जी आर यू लेयर, उसके बाद फिर से जी आर यू लेयर, फिर से जी आर यू लेयर, फिर डेंस लेयर, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर मॉडल में डिफाइन करी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चली है, ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वैलिडेशन एक्यूरेसी यानी कि 81% से ज़्यादा की एक्यूरेसी हमारी है। यहाँ पे मैं अगर नीचे, यहाँ पे हमने जो है जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसका ग्राफ जो है प्रिंट करवाया। अब मैं इस ग्राफ पे थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको ताकि समझ में आए। अभी इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारी ईपोक्स हैं, ईपोक्स मतलब कितने राउंड हमने ट्रेनिंग करवाया है, और ये हमारा रेड हमारा वैलिडेशन एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्लू हमारा जो है ट्रेनिंग एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर है और ये वैलिडेशन डेटा के ऊपर है। जब हम ट्रेन ट्रेन डेटा को स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक ट्रेन डेटा जिसके ऊपर एक्चुअल में ट्रेनिंग चल रही है, और एक पार्ट हम सबसेट हम अलग से रख लेते हैं जो कि ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं देते, लेकिन मतलब ट्रेनिंग उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करते, उसके साथ हम वैलिडेशन करते हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है तो उस अनसीन डेटा पे हमारा मॉडल कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये वैलिडेशन एक्यूरेसी उसकी है। तो जैसे आप देखोगे शुरू में ही मतलब एक दो ईपोक के बाद ही 81% के आसपास आ गई थी हमेशा, और ये हमारा जो ईपोक्स ये हमारा लॉस वाला है। हमेशा एक बात हमेशा याद रखने की है, जब हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही होगी तो हमारा लॉस हमेशा नीचे जाता है, यानी कि ट्रेनिंग लॉस या वैलिडेशन लॉस जो है हमारा कम हो जाता है, ये इस ग्राफ देखने से भी आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर मॉडल ट्रेन हो गया, ट्रेन करने के बाद हमने इन्फेरेंस किया, इन्फेरेंस मतलब कि रैंडमली कोई एक वीडियो लो, उसको मॉडल को दो प्रिपेयर करके, और फिर चेक करो कि हाँ क्या मॉडल सही से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे आप ये देखोगे टेस्ट वीडियो हमने ये वाली दी थी और इसने प्रेडिक्ट किया दिस वीडियो इज रियल, एक्चुअल में ये रियल भी थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर हमने इस मॉडल को इस फाइल के नाम से, इस मॉडल को इस फाइल के नाम से सेव कर लिया जो कि हमारा यहाँ पे है डीप फेक वीडियो मॉडल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉडल डॉट एच फाइल, तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रेंड मॉडल है, ठीक है। अब हमने ट्रेंड मॉडल लिख लिया है, ट्रेन हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेन होने के बाद हम आ जाते हैं बैकएंड के ऊपर, हम इसको एक किसी वेब सर्वर में होस्ट करना चाहते हैं, और ताकि फ्रंट एंड यानी कि वेबसाइट या वेब ऐप के थ्रू जो है आप इस मॉडल से कम्युनिकेट कर पाओ, तो ये हमारा बैकएंड का कोड है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हम मॉडल को लोड कर रहे हैं, फ्लास्क सर्वर को हमने यूज किया है, उसके बाद ये हमने कुछ मेथड डिफाइन करे हैं जो कि फीचर एक्सट्रैक्ट करने वाला, जो कि सिमिलर जो हमारा ऊपर वाला हमने जो जुपिटर नोटबुक में ट्रेन किया था वही वाला है। यानी कि होता क्या है कि हम एक इमेज वीडियो देंगे, फिर उस वीडियो में से फ्रेम बाय फ्रेम उसको तोड़ना, फिर उन उन फ्रेम्स में से फीचर एक्सट्रैक्ट करना, वो चीज़ें तो हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्योंकि हम मॉडल को डायरेक्ट वीडियो नहीं देते हैं कभी भी, मॉडल को वीडियो जो हमें यूजर देगा उस वीडियो को थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग इन द सेंस की उसको फ्रेम्स में डिवाइड करके, फिर फ्रेम्स में से फीचर एक्सट्रैक्ट करके, फिर उसको जो है डेटा की फॉर्म में हम उसको देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोड वीडियो का फंक्शन मेथड डिफाइन कर रखा है जो कि आपकी वीडियो को लोड करता है, यूटिलिटी फंक्शन टू लोड एंड प्रोसेस वीडियो, ओके। यहाँ पे क्रॉप सेंटर स्पेयर ये अगेन वही मेथड है, और प्रिपेयर सिंगल वीडियो ये भी अगेन ऊपर हमारी जो है हमने जुपिटर नोटबुक में वो वाला फंक्शन था। यहाँ पे ऐप राउट स्लैश, इसका मतलब ये है कि जब हमारी ऐप लोड होगी तो हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सबसे पहली फाइल होगी जो कि लोड होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्लैश प्रेडिक्ट, ये एक हमारा रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट है, स्लैश प्रेडिक्ट वाली एपीआई जब कॉल होगी तो ये आपकी एक जो है वीडियो फाइल लेके आती है, हम उस वीडियो फाइल को निकालते हैं, उस वीडियो फाइल को अपने एक टेम्परेरी फोल्डर में सेव कर लेते हैं, उस वीडियो फाइल को हम लोड वीडियो फंक्शन को देते हैं जो कि हमने अभी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, वो हमें फ्रेम्स निकाल के दे देगा, और फ्रेम्स उन फ्रेम्स को हम जो है इस मेथड को देंगे प्रिपेयर सिंगल वीडियो, ये फ्रेम्स में से
फ्रेम के फीचर और फ्रेम के मास्क दोनों निकाल के दे देगा हमें, ठीक है। हम सिर्फ फ्रेम फीचर और फ्रेम मास्क अपने मॉडल को देते हैं, हम मॉडल को कभी भी डायरेक्ट वीडियो नहीं देते हैं। फिर हम ये फ्रेम फीचर और फ्रेम मास्क मॉडल को देते हैं, मॉडल प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्ट करने के बाद हम जो यहाँ पे अगर हमारी प्रेडिक्शन का कॉन्फिडेंस 0.51 से ज़्यादा है तो हम उसको फेक डिक्लेयर करते हैं, अदरवाइज हम उसको रियल डिक्लेयर करते हैं। और फिर हम उसको जो है जो वो वीडियो जो हमने टेम्परेली अपने सर्वर में सेव करी थी हम उसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट को हम जेसन की फॉर्म में भेजते हैं। ये हमारा हो गया बैकएंड। अब मैं बात करता हूँ पोस्टमैन के थ्रू, अगर आप इसको इसकी टेस्टिंग करनी है तो कैसे करोगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये मेरा सर्वर यहाँ पे इस यूआरएल पे मेरा सर्वर चल रहा है, ये मेरा स्लैश प्रेडिक्ट जो है मेरा एपीआई एंड पॉइंट है। मैं इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको ताकि आपको समझने में आसानी रहे मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। हाँ अब देखिए यहाँ पे अब हमारे कोई लॉग्स नहीं, ठीक है, मतलब मैंने स्क्रॉल कर लिया तो वो लोग ऊपर स्क्रॉल हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस स्लैश प्रेडिक्ट वाले एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करूँगा। यहाँ से मैं कोई भी इमेज जो है सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ से दूंगा वीडियो ही, यूजर वीडियो ही देता है, लेकिन बैकएंड का काम होता है कि वो प्री प्रोसेसिंग करे, फ्रेम्स में डिवाइड करे, फ्रेम्स में से फिर फीचर्स निकाले, फीचर मास्क निकाले, वो सारी चीज़ें बैकएंड का काम होता है। तो हम यहाँ से हम कोई भी एक वीडियो, जैसे मैं फॉर इजी पर्पस, मतलब ताकि रिलेट करने में आसानी हो, मैं एक रियल वीडियो देता हूँ, रियल 3 वाली वीडियो मैं इसको दे देता हूँ। यहाँ पे हम पोस्टमैन में दे रहे हैं, और फिर मान लो मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जुपिटर मेरी जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है यहाँ पे भी मैं वो कर देता हूँ, मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो मॉडल आपका जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसने इमेज वो वीडियो ली, वीडियो बैकएंड ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस प्रोसेस करने के बाद फ्रेम फीचर और फ्रेम मास्क जो है मॉडल को दिए, और फिर उसने प्रेडिक्ट किया और चेक किया तो वो रियल ही थी, और हमने भी रियल वाली वीडियो ही दी है। तो ऐसे हमने जो है इसकी इस REST API एंड पॉइंट की पोस्टमैन के थ्रू टेस्टिंग करी। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज आपका जो है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में ज्यादा कुछ नहीं है, फ्रंट एंड में आई हैव केप्ट इट रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो इसमें बेसिकली ये आपका जो शुरू का HTML और CSS वाला कोड है वो सारी चीजें मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इट इज वेरी इजी एंड देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग। जावास्क्रिप्ट का कोड जो है इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली आपका क्या करेगा, जैसे हम फ्रंट एंड से, यहाँ फ्रंट एंड आपका चल रहा है, यहाँ से जब आप वीडियो कैसे लोड करते हो और वो फिर API रिक्वेस्ट को कैसे हिट करता है, वो वाला कोड आपको जो है समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ से वीडियो इनपुट होती है, और प्रीव्यू वीडियो का आपका जो एक फंक्शन बना हुआ है इसको जो है आप कॉल करते हो, ठीक है। अब प्रीव्यू वीडियो कहाँ है, ये रहा, ये आपका वीडियो इनपुट लेता है, वहाँ से फाइल निकालता है, उस फाइल को एज ए ऑब्जेक्ट भेजता है, और उस ऑब्जेक्ट को जो है आपका REST API के साथ जो है आपका भेज देता है। यहाँ पे मैं अगर आपको स्लैश प्रेडिक्ट वाली API भी कॉल हो रही है, ये वाली जो है मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये रही यहाँ पे। फिर हम उस जो ऊपर जो हमारा जो फाइल वाला ऑब्जेक्ट है उसको हमने फॉर्म डेटा में अपेंड कर दिया, ये देखो आप फॉर्म डेटा में, और वीडियो उसका की है और उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। हमारा रिक्वेस्ट टाइप मेथड टाइप पोस्ट है, बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा चला गया, फिर हम उसको डॉट देन रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स को जेसन के फॉर्म में लेते हैं, और फिर जो स्पिनर हम जो दिखाते हैं उसको बाद में हटा देते हैं और यहाँ पे जो हम उसको दिखा देते हैं। अगर कुछ एरर आती है तो हम यहाँ पे वो दिखा देते हैं एंड रिकॉर्ड वाइल प्रोसेसिंग द वीडियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्रंट एंड कवर हो गया, बैक एंड कवर हो गया, जुपिटर नोटबुक कवर हो गया, डेमो कवर हो गया, सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है रिक्वायरमेंट्स में, यहाँ पे आपकी जो हैं जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनके वर्जन से जो हमने यूज़ किया है, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें को जो है कवर कर दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑन डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
जनरेटिव एआई मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाता रहता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट, पूरी एक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट आपको अपने किसी भी पर्पज़ के लिए चाहिए, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट सोर्स कोड एंड सेटअप। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।